यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस माइकल द प्रेसिडेंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। दोस्तों देखो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों के कॉमेंट्स को ना अपने दिल से पढ़ता हूँ, मैं आप सभी लोगों को अपने दिल से प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ मैं आप सभी लोगों से। तो फटाफट जाकर इस वीडियो का जो सा भी फेवरेट पार्ट यहाँ पर होगा ना आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए यार। तो मैं उस कमेंट को दोस्तों पढ़ूंगा और कुछ भी प्रोग्रेस वगैरह करनी है कुछ भी करना है मैं दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दूंगा, ठीक है। पिछले एपिसोड में तुमने यहाँ पर देखा था डगन बॉस और बेनी अंडर वाटर माफिया और यहाँ पर दोस्तों लेस्टर को मैं किडनैप करके ले आया था। मेरे लिए इतना कोई बड़ा काम नहीं था, बहुत छोटा सा काम था जो कि दोस्तों मुझे कंप्लीट करना था और मैंने फाइनली यार इनको यहाँ पर जो है किडनैप कर भी लिया, ठीक है। ये मेरे लिए कोई ऐसा बोलता नहीं कि कोई बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, बहुत मामूली सा टास्क था ये दोस्तों। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर जो है हमारा जम्बो भी वापस आ चुका है, मेरा प्यारा बेटा जम्बो गाइज यार यहाँ पर वापस आ चुका है। तो जम्बो यहाँ पर, हमारे पैंथर यहां पर है और दोस्तों जो हमारा पैंथर कल हमारे पैंथर की चोट लग गई थी ना दोस्तों वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो गाइस वो भी यहां पर आ चुका है। मेरे बेचारे बेटे के दोस्तों पैर में बहुत ज्यादा खतरनाक कल चोट लग गई थी, ठीक है। बाकी सिम्बा यहां पर है और टाइसन यहां पर है, देख रहे हो दोस्तों तुम। बाकी यार इन लोगों ने है ना यहाँ पर एक गलती कर दी है डगन बॉस के ना, ज़रा दूसरे पर करंट लगा दिया है, एक बहुत ज़्यादा ही तिंगट रहा था तो हमने कहा भाई बेसिकली बॉस तो इनका यही है ना, तो इसको सबसे पहले करंट लगा के बेहोश करके डाल के रखो यहाँ पर। तो हमने दोस्तों डगन बॉस को बेहोश करके यहाँ पर जो डाल रखा है, भाई ये कुछ नहीं कर सकता बस पड़ा हुआ है और यहाँ पर लेस्टर बैठा हुआ है। चल तू भी खड़ा हो ना थोड़ी देर के लिए, अब जब ये खड़े हैं तो तू भी खड़ा हो जा। तो गाइस हमने इन सभी को यहाँ पर दोस्तों खड़ा कर रखा है, भाई देख रहे हो यार यही तो बात है, यही तो गेम है दोस्तों। तुम्हारे भाई ने मतलब इस पूरे मतलब सिचुएशन को ना अच्छे तरीके से हैंडल कर रखा है। रुक जाओ जरा मैं इसके दोबारा करंट लगा देता हूँ, अभी तो मैंने लगाया था, एक काम करता हूँ अच्छा हो गया। मास्टर माइंड इनका ये भी है लेस्टर भी। चल मेरे भाई लेस्टर तू भी थोड़ी देर के लिए सो जा, तू भी थोड़ी देर के लिए सो जा ना। हाँ सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सो गया ठीक है। अंडर वाटर माफी तू भी सो जा। उत्तरी अब सोएगा ना, तो इसके दो बार करंट लगा दोस्तों तब जाके सोया है। अब बेनी के तो पीछे से ही लगा दूंगा मैं, बेनी के भी लगा दिए दोस्तों, बेनी तो मूंधा ही पड़ा रहेगा। तेरी ऐसी की तैसी बेनी के बच्चे। चल तो गाइज मैंने सभी के दोस्तों यहाँ पर जो है करंट वगैरह लगा दिया है, अब मेरे हिसाब से सबके सब दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक पड़े रहेंगे और इनके सबके साथ मैंने यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा काम यहाँ पर दोस्तों जो है कर दिया है मेरे हिसाब से। तो अब देखो मैंने इन सभी के ना यहाँ पर करंट दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता था इन लोगों को इस बारे में पता चले कि मैं फ़िलहाल अभी जा कहाँ पर रहा हूँ और मैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, मैं अपना व्लॉग बना रहा था तो दोस्तों ये वो भी यहाँ पर देख रहे थे दोस्तों, समझ रहे हो तुम। तो मैं नहीं चाहता था ऐसे यहाँ पर कुछ भी हो, इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पर जो है इनको जो है टपका दिया, समझ रहे हो ना तुम। तो चलिए गाइज अब फिलहाल हम निकलते हैं दोस्तों, अभी सबसे पहले ना मुझे एक डील करने के लिए जाना है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी लोगों को याद होगा कल ना मुझे यहाँ पर चाइनीज़ माफिया एक आर्केड दिखाने के लिए लेकर गया था और उसका मालिक कल हमसे मिल नहीं पाया था और आज उसका मालिक जो है बेचने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं जाऊँगा वहाँ पर और मैं थोड़ा अपने तरीके से उस आर्केड को दोस्तों अपना करूँगा, ठीक है ना। आज तुम देखते जाइए तुम्हारा भाई यहाँ पर कैसी स्ट्रेटेजी लगाएगा, बहुत ख़तरनाक स्ट्रेटेजी लगाने वालों, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो चलो अब अपने घर से निकलते हैं हम, सबसे पहले भी तो मुझे दोस्तों यहाँ पर जो है चाइनीज़ माफिया के घर पर जाना होगा और चाइनीज़ माफिया घर से पहले चाइनीज़ माफिया को लूँगा, फिर हम उस बंदे से मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई ये काम भी अपना डन ही हो जाएगा आज, बाकी अपनी रोल्स रॉयस यहीं पर खड़ी है भाई। आजकल मुझे ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसीलिए मैं सीवे ज़्यादा घूम रहा हूँ। बढ़िया, क्या बात है भाई, अपनी गाड़ी तो भाई सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। बाकी मैंने अपने सारे पेट्स को भी वहीं पर छोड़ दिया है। अब ना दोस्तों देखो मैं वॉक कराने के लिए ना अपने पेट्स को ऐसे नॉर्मली नहीं घुमाने वाला हूँ, मैं अपने पेट्स को ना कहीं दोस्तों अच्छी लोकेशन पर लेकर जाया करूँगा दोस्तों घुमाने वुमाने के लिए भी, ठीक है।
अब मैं बेफालतू में यहाँ पर घुमा दूँ, और मतलब काफ़ी अनप्रोफेशनल सी भी चीज़ है यार दोस्तों। अगर तुम भी देखो मतलब हम अपने जानवरों को यहाँ पर घुमा रहे हैं, फिर पब्लिक के जानवरों में हमारे जानवरों में दोस्तों यहाँ पर क्या ही फ़र्क रह जाएगा, है ना। इसीलिए बस मैंने सोचा मुझे अपने पेट्स को यहाँ पर घुमाना ही नहीं है यार। अब मैं अपने पेट्स को घुमाने के लिए दोस्तों स्पेशल लोकेशंस पर ही लेकर जाया करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और स्पेशल लोकेशन पर ही लेकर चलेंगे गाइस, कोई दिक्कत ना है। चलो अब तो जल्दी से हम यहाँ पर जो है उसके पास चलते हैं। अरे बे भाई क्या कर रहा है ऑडी वाला, पीकर चला रहा था क्या दोस्तों? मेरे को तो भाई ऐसे ही लग रहा है कि पीकर चला रहा था। अगर वो सेलिब्रिटी वाले यहाँ पर खड़े होंगे ना, देखो ज़रा खड़े हैं क्या, अबे खड़ा है एक यार, शिट यार, हमेशा एक तो इनको हटाओ, जब से हुआ है ना इसके साथ ऐसा, ये बोलेगा मेरे घर के अंदर किसने बम फोड़ दिया। भाग गया, भाग 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 तेरी ऐसी की तैसी, अंदर ही बम फोड़ा और मैंने दोस्तों घर के अंदर ही इसके, भाई क्या बात है यार, घर के अंदर ही बम फोड़ दिया, कहीं कुछ हो ना गया हो। वैसे उसे पता होगा कि माइकल वाइकल ही आया यार, और मैं ऐसी हरकतें करता हूँ यार। ये गाड़ी के ऊपर एक तो स्क्रैच लग जाता है यहाँ पर आते आते, सीसी यही चीज़ें मुझे थोड़ी सी दोस्तों पसंद नहीं यार यहाँ पर आना, वरना तो बस क्या ही करूँ यार, अब मजबूरी सी बन गई है। बाकी कल मैंने गाड़ी को मार देता है, पर बेफालतू में हल्की सी हम गाड़ी को पीछे लेकर भी निकाल ही सकते हैं ना। चलिए ऑल राइट गाइज, तो फाइनली यार दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चाइनीज़ माफिया के घर पर, और अब हम उस बंदे से मिलने के लिए जाएंगे। फिलहाल चाइनीज़ माफिया के पास ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर कोई आया हुआ है। ऑल राइट दोस्तों, तो ये बिग माफिया का बेटा है। ओके तो बिग माफिया का बेटा तो देखो यार अपने दोस्ती और अपने लिए यहाँ पर जो है काम वगैरह भी करता है। हेलो माई बडीज, हाउ आर यू, कैसे हो तुम दोनों के दोनों? और यहाँ पर बिग माफिया के बेटे, और सब कुछ क्या चल रहा है, धंधा पानी कैसा चल रहा है? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल वो तो चला गया ना, हाँ चल ठीक है हम चल रहे हैं। तो गाइज फिलहाल यहाँ पर जो है बिग माफिया के बेटे को थोड़ा सा कुछ काम था, मैंने उसको बोला कि हम यहाँ पर एक डील करने के लिए चल रहे हैं और थोड़ा सा वहाँ पर जो है मनोरंजन भी होगा, तो क्या तू साथ चलेगा? उसने खैर मना कर दिया, उसको दोस्तों यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए भी यहाँ पर जो है जाना था। हमने कहा चल ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, तू निकल। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल चाइनीज़ माफिया और मैं दोनों जा रहे हैं, एंड उसने मिलने के लिए ना दोस्तों हमें बुलाया डेविन वेस्टर्न के वो नहीं होता हैंगर, उसके अंदर एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहाँ पर ना किसी दूसरे बंदे से भी उसकी यहाँ पर कोई सोने वोने की गोल्ड वगैरह की ना कोई डील वगैरह चल रही है, तो उसने बोला कि सीधा आप यहीं पर आ जाओ। ऑल राइट कोई नहीं, और दोस्तों डेविन वेस्टर्न उसका बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ ये बात हमें आज ही पता चली है दोस्तों, डेविन वेस्टर्न हमारा भी दोस्त है। तो अब यार मैंने ये वाला प्लान ना बेसिकली मैं इसी प्लान से आया था कि मैं उसको मार दूंगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों अपने नाम करा लूँगा, ठीक है। बट अब ना जब वो डेविन वेस्टर्न का भी दोस्त है और दोस्तों एयरपोर्ट पर मीटिंग है, ठीक है, और वहाँ पर मिलिट्री वाले भी आए हुए हैं, इसको चाइनीज़ माफिया को दोस्तों पहले यहाँ पर जो है खबर मिल चुकी है, इसके भाई खबर ही हर जगह है, ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ पर प्लान कैंसिल कर दिया दोस्तों उसको मारने पीटने का, अब हम थोड़ा इज्जत से ही दोस्तों पैसे देकर ही उस जगह को जो है ख़रीदने वाले हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, क्या उसने वैसे भी हमारा कुछ यहाँ पर बिगाड़न था, वो मेरे अंदर ही दोस्तों यहाँ पर कुछ लालच आ गया था कि मैं सोच रहा था उसकी चीज़ को मैं ऐसे ही मतलब रख लूँगा, बट यार ये बातें भी तो गलत ही हैं, हमें अपने दिमाग में भी ऐसे दूसरे की चीज़ों को लेकर नहीं ऐसी मतलब बातें बातें लेकर आनी चाहिए, दूसरे की चीज़ को लेकर, समझ रहे हो ना तुम? ये तो बात है यार, मतलब लोग भागना अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाते हैं भाई, जैसे हम और दूसरे की चीज़ों पर अपना हक जमाते हैं। ये देख रहे हो रोल्स रॉयस भी भाई तुम्हारा भाई कैसे चलाता है, ये देखो तुम। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली यार हम यहाँ पर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं, एंड वो सामने दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं एक काम सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं सामने से ना जाऊँ, सामने से एकदम भाई नज़र पड़ जाएगी, हम थोड़ा दूर से देख भी सकते हैं कि कौन कौन है वहाँ पर, तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। एंड भाई लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट पहली बार कोई डील करने के लिए जा रहा है, पहले तो मैं देखो चाइनीज़ माफिया को भेजूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं जाने वाला गाइज, डायरेक्ट जाऊंगा तो मतलब वो थोड़ा अजीब सा रहेगा, ठीक है, मतलब एक वो होता है ना, अब भाई खोल दो तू तेरी गाइज, ये हमेशा टूटता ही है, बस क्या बोलूँ यार, एक तो खोलते बोलते नहीं है ना तो गुस्सा आता है बेफालतू में। चलो फाइनली यहाँ पर तो कुछ लोग काम वगैरह कर रहे हैं, और हमें ना दूसरी तरफ जाना है, ठीक है,
हमें जाना है दूसरी तरफ, इस रोड पे नहीं आया, हमें दूसरी तरफ जाना है। चलो बाकी अपने वर्कर्स वगैरह तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। फ्लाइट आई है भी, डेविन वेस्टर्न का हैंगर है भैया उधर। चलो बढ़िया नाइस। मैं सीधा जाऊँ क्या, सीधा जाऊँ क्या सीधा? पर वैसे दिख तो रहा नहीं अभी कोई। ऑलराइट, वैसे चलो मैं अपनी रोल्स रॉयस में आ तो गया हूँ। ओके लगता है कुछ टेस्टिंग पीरियड चल रहा है क्या, आई डोंट नो। चलो हमने तो गाड़ी से बाहर निकल गए हम। ऑलराइट बाकी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कैश रखा हुआ है, लिटरली बहुत सारा कैश और बहुत सारा गोल्ड भी। और बाकी वो बंदा कहाँ है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और गाइस यार यहाँ पर इतना सारा गोल्ड है, इतना सारा कैश है, इसको देखने के लिए कोई है भी नहीं और ना ही वो बंदा दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पर कोई भी मिलिट्री वाली सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, लाइक जैसे कि पुलिस वाली ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ना ये खड़ी हैं बस, और कुछ भी नहीं इनके अलावा। चलिए कोई नहीं, फिलहाल देखते हैं अभी। चाइनीज माफिया तो गाड़ी में ही है, जरूर उसको कॉल वगैरह लगा लिया। चाइनीज माफिया फटाफट लगा ले यार। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यार वो बंदा आ चुका है जिसका दोस्तों ये सारा का सारा यहाँ पर जो है पैसा वैसा रखा हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी किसको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे डेविन वेस्टर्न के यहाँ पर था और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वो यहाँ पर दोस्तों आए थे ना, हमने पूछा मिलिट्री वाले थे, वो कह रहा है बस ये सोना वगैरह यहाँ पर रखवाने के लिए आए थे, बाकी सबके सब यहाँ पर जा चुके हैं। और दोस्तों ये वो बंदा है वहाँ ऊपर बैठा था और इसका है दोस्तों वो आर्केड, और भाई साहब ये सारा का सारा गोल्ड इसका है भाई। ये शक्ल से तो एकदम घोंचू टाइप का लग रहा है और मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी का दोस्तों ये बंदा मालिक है, ठीक है। तो मेरी नियत में थोड़ा सा खोट आ रहा है। और देखो यार गाइस मैं ना मतलब यार मैं क्यों पैसे दूँ, लॉस सैंटोस मेरा है, अपने लॉस सैंटोस में मुझे एक आर्केड खोलना है, तो मैं अपने आर्केड के लिए किसी दूसरे बंदे को पैसे क्यों दूँ, क्यों दूँ मैं पैसे जब लॉस सैंटोस ही पूरा मेरा है। तो फिलहाल मैं से एक बहाना मार के जो है बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, हम आपको जो है पैसे दे देते हैं, चलिए आप हमारे साथ आइए आ जाइए। ऑल राइट गाइस, तो हम इसको ज़रा यहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये तो बोल रहा है यहाँ से पैसा कहीं नहीं जाएगा, डेविन वेस्टर्न का जो हैंगर है, बाकी अपना गोल्ड वगैरह सब कुछ दोस्तों यहाँ से जो है साथ लेकर जा रहे हैं। इसकी सारी जमा पूंजी है, बाकी हमने आपको बताया तो था ना भाई यहाँ पर सिटी छोड़कर ये जो दोस्तों जा रहे थे तो उसने अपना सारा पैसा सारा गोल्ड यहाँ पर रखवा दिया और अब दोस्तों यहाँ से निकलने की तैयारी में, जस्ट एक आर्केड मुझको बेचकर। बट ये सारा पैसा सारा गोल्ड और ये जितनी सारी चीज़ें ना सब तुम्हारे भाई की होने वाली हैं, वो कैसे होगा? भले मैं लॉस सैंटोस पहुँच का प्रेजिडेंट बन गया बट मैंने हेरा फेरी नहीं छोड़ी है, पता चलेगा अभी। अभी हमने इसको अपनी गाड़ी में तो बिठा लिया है ये बोल कर कि हम आपको पेमेंट करते हैं, चलिए डील डन करने के लिए यहाँ से तो चलना पड़ेगा ही ना। और भाई ये देखो इसकी बात इतना मतलब अपने ऊपर वो करता है कि ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड ना ही कुछ, भाई इतना भी मतलब घमंड ठीक नहीं होता है दोस्तों, समझ रहे हो ना तुम, इतना भी ठीक नहीं होता है। चलो अब इसको ज़रा लेकर चलते हैं यहाँ से, हम इसको पैसे देंगे ना इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ गाइस मैं इसको यहाँ से एयरपोर्ट से। चलो आराम से, अबे खुल जाया कर यार, हाँ नहीं तो दिमाग की दही बना देते हैं यार ये भी। चलो इसको ले जाने के लिए ना मेरे पास एक बहुत तगड़ी लोकेशन है, चलो आराम से भाग मेरी रोल्स रॉयस। अब जल्दी से दोस्तों मुझे अपनी रोल्स रॉयस को ना यहाँ पर भगाना होगा और फटाक से बहुत दोस्तों उस लोकेशन पर यहाँ पर जो है पहुँचना होगा। क्या बात है, देख रहे हो तुम्हारा भाई कितनी जल्दी निकलता है। मैडम अब फिलहाल अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आपकी चोरी हुई गाड़ी को मैं बचाऊंगा, मैं लॉस सैंटोस का प्रेजिडेंट हूँ, कोई चपरासी नहीं हूँ। ऑलराइट ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, आ जाओ आ जाओ। बाकी ये जो शिप टूटा हुआ है ना यहाँ पर बेसिकली कोई आता भी नहीं है। लॉस सैंटोस के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस जगह को ना यहाँ पर मनहूस मानते हैं, बेसिकली मांगते क्या है, आ जाओ सो वो यहाँ पर ना असल में मैंने ना एक वो कहते हैं ना
अरे वो मतलब पैसा ना मैंने एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा हुआ है अपना सारा। अभी हम रोल्स रॉयस की डिग्गी में भर के ना सारा पैसा लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना? आ जाओ, चलो। चलिए गाइस अब जरा चलते हैं, एक बार जरा मुझे पहले मौका देखना पड़ेगा। रुक जाइए सर, यहाँ पर ना कुछ ये लोग बाग खड़े हैं और मैं इनके सामने ना अपना पैसा वैसे के पास जाना नहीं चाहता, वरना तुम्हें पता है आजकल चोर वोर कितने हैं, है ना? रुक जाओ जरा एक मिनट। चलिए 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 यहाँ से, पता नहीं कौन लोग हैं। अरे पता नहीं, वो तो कोई लोग थे। आ जाओ ऊपर चलें क्या? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ रहे हो क्या ऊपर? आ जाओ, मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है? बाकी दोस्तों चाइनीज माफिया ने उसे बातों में ले रहा है, ठीक है, और मैं जस्ट ऐसे ही जा रहा हूँ। मैंने उसको ये बताया कि ऊपर मैंने अपना एक बेस बना रखा है, पर कोई बेस वेस नहीं है। आ रहा है वो भी, ऊपर ही आ रहा है। अरे बहुत खतरनाक बेस है, इधर आइए आप, आइए तो सही, आइए 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 आइए, इधर को तो चलिए, इधर को, इधर इधर को है ना अपना बेस, इधर को है, चलिए। मरा क्या हो? जान से गया ये, जान से जा चुका है। और मैंने ना दोस्तों इसको, इसकी ना कमर की हड्डी वड्डी टूटी है उसके ऊपर लगने के बाद, ठीक है ना? रुकना, देखना तो पड़ेगा ही। और राइट गाइस, तो फाइनली यार दोस्तों हमने उसको यार यहाँ पर जो है मार दिया है बंदे को, ठीक है, और मैंने चाइनीज माफिया को दोस्तों यहाँ पर जो है बंदे को ठिकाने के लगाने के लिए दोस्तों भेज दिया है, ठीक है। मैंने पानी में से निकाल कर उसको दोस्तों ठिकाने लगाने के लिए भेज दिया, और दोस्तों यहाँ से जितना भी गोल्ड वगैरह था ना और वो जो गाड़ियाँ वगैरह थी दोस्तों मैंने सारी की सारी हटवा दी। रुक जाओ मैं पहले तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, और मैंने सारा का सारा गोल्ड और जो कैश था वो कहाँ पर रखवाया तुम्हें वो भी दिखाऊँगा। चलिए सबसे पहले तो हम अंदर चलते हैं आराम से, बढ़िया। इधर का तो भाई खुलता है तुम्हारे भाई के इशारे पे। असल में मैंने माजदा RX-8 दोस्तों अपने घर से मंगा ली थी, मेरे पुराने वाले घर पर खड़ी रहती है ये वाली गाड़ी। ओके, ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं है, हालम खाली हो गया, सब कुछ हटवा लिया हमने अभी यहाँ से, और दोस्तों पैसा भी अपने पास आ गया, और गाइज यहाँ पर आर्केड भी हमें मिल चुका है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब की बार तो मैंने हादसे से मारा था उसे, बट सब सही है जो भी हुआ। ये माजदा मैंने यहाँ से उठाई थी, ये गाड़ी की बात कुछ अलग है। ये कार देखो ना क्या लग रही है, वो भी गोल्ड के अंदर दोस्तों। ये गाड़ी कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रही है, BMW भी खड़ी है वैसे तो, ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, तो ये उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, नाइस, बढ़िया, क्या बात है, गाड़ी चलने में तो काफ़ी तगड़ी है। खुल जा भाई, ये गाड़ी पर थी किसकी जो यहाँ पर खड़ी थी दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आया, वो भी शीशे वीशे हर चीज़ खुली हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है भाई वो इन गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था, और ये वाली गाड़ी है ना इसीलिए बाहर खड़ी थी, मतलब बहुत लग्जरी गाड़ी थी, और मैंने RX-800 भी दोस्तों वहीं से उठाई थी। फिलहाल दोस्तों हमने इसको तो यहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया है, अबे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं तो यार गाइस, लोग बागों के यहाँ पर काम ही धंधे ख़त्म नहीं होते यार, लोग बागों के काम क्या करें जब तक हम अपने काम नहीं सुधारेंगे, ठीक है। चलो इस गाड़ी को लेकर जल्दी से मैं पहुँचता हूँ। क्या बात है, गाड़ी देखो क्या तगड़ी चल रही है यार, गाड़ी तो देखो तुम एक बार, क्या तगड़ी, मतलब स्पीड देखो भाई क्या तगड़ी है गाड़ी की, मतलब जी आ जाता है भाई गाड़ी को चलाते हुए, ठीक है। अब गाइस मैं उस लोकेशन पर जा, कि बाप की ऐसी की तैसी, कौन था बे? तेरी ऐसी की तैसी, भले भी यहाँ एक्सीडेंट हो जाए देखा जाएगा जो होगा। एक्सीडेंट होने से पहले ही दोस्तों मैंने निकाल दिया, पता नहीं दोस्तों था वो कोई ना कोई बंदा तो था ही, जो भी था वो
क्या है, हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हम फटाक से दोस्तों उस लोकेशन पर चलते हैं। और मैंने सारा का सारा गोल्ड और दोस्तों सारी चीज़ें कहाँ पर रखी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यार तुम भी देखकर ये बोलोगे आरिश भाई तुमने जगह तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर चूज़ करी है। चलिए गाइस अब जल्दी से मैं आपको लेकर चलता हूँ। और राइट गाइस फाइनली यार मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया हूँ आराम से, बहुत आराम से फाइनली गाइज। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वहाँ पर दोस्तों जो कैश था ना, कैश को तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने घर पर भिजवा दिया था क्योंकि कैश की इतनी ज़्यादा वो यहाँ पर वो नहीं होती है। बट दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आरिश भाई वहाँ पर तो थोड़ा कमी गोल्ड रखा था दोस्तों, वहाँ पर जो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा ना तो दोबारा से वीडियो को पीछे जाकर देखिए, वहाँ पर दो ना दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी थी जिसके अंदर दोस्तों गोल्ड आता है, उनके अंदर भी दोस्तों सोना भरा हुआ था। तो मैंने सारा का सारा सोना दोस्तों उठवा कर ना इस लोकेशन पर रखवा दिया है। आप सभी लोग ये देखिए भाई साहब कितना सारा सोना तुम्हारे भाई के पास आ गया है। भाई साहब ये भाई मतलब कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है, इतना सारा गोल्ड एक साथ दोस्तों यहाँ पर होना ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है दोस्तों, इतना सारा गोल्ड एक साथ देखना यार वो भी बहुत बड़ी बात है यार, लिटरली बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई नहीं, बाकी गाइज आप सभी लोग यहाँ पर देखिए किस टाइप के इल्यूमिनाटी वाले दोस्तों यहाँ पर नियॉन आर्ट्स बने हुए हैं, ये देखिए आप सभी लोग। एंड गाइज मुझे ना इस पूरे के पूरे गोल्ड का, ये जितना भी मेरे पास गोल्ड है करीब करीब मैं तुम्हें बताऊँ ये सारा, अगर मैं रॉ गोल्ड की बात करूँ ना ये करीब दोस्तों यहाँ पर 400 से 500 बिलियन मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स का होगा, 400 से 500 बिलियन डॉलर्स के करीब का होगा। बट दोस्तों मैं ना इस गोल्ड को सेल नहीं करना चाहता ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है यार, प्यार चाहिए बस तुम भाइयों का, तो पैसा बहुत है दोस्तों। मैं इस गोल्ड को ना किसी चीज़ के अंदर ना कुछ चीज़ बनवाने में ना दोस्तों यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखो ऐसी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मुझे इस गोल्ड से यहाँ पर क्या बनवाना चाहिए क्या नहीं, तो प्लीज़ मुझे यार कॉमेंट करके बताइए कि मैं इस गोल्ड से दोस्तों यहाँ पर क्या बनवाऊँ। बाकी देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, एक नियॉन आर्ट दिखाता हूँ तुम्हें, टैटू गेट योर फिक्स्ड। ये चल रहा है क्या, बंदी है यार ये भी ऑल राइट। ये देखिए आप सभी लोग ये देखिए गाइस कितने ज़्यादा खतरनाक नियॉन आर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब कोई बंदा भी आएगा ना तो भाई वो भी देख कर ना इस चीज़ को कसम से बता दो दोस्तों डर जाएगा, वो भी सोचेगा यार मुझे कहाँ ले आए, मुझे कहाँ पर ले आए। एंड गाइस देख लो तुम्हारे भाई ने मतलब कहाँ पर रख रखा है सब कुछ। भाई साहब ये देखो भाई क्या क्या बना हुआ है दीवारों के ऊपर। असल में यहाँ पर जो लोग बाग रहते हैं और जो मेरे लिए दोस्तों यहाँ पर काम करते हैं ना वो थोड़े सनकी टाइप के ही हैं और कुछ हैकर्स टाइप के लोग हैं, तो उन्हीं के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वाला बेस जो है बनवाया था। बट फिलहाल अभी ये वाला बेस, पहले मैंने एक डगन बॉस की गाड़ियाँ चोरी करी थी 4-5, वहाँ पर ये वाली गाड़ियाँ रखी थी, फिर मैंने वो सेल कर दी थी दोस्तों। अब यहाँ पर सोना रखना काम आ रहा है ठीक है, तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया है और मैं इस लोकेशन पर ऐसा सा सामान रख देता हूँ ठीक है। बाकी दोस्तों अब आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए सोना बहुत ज़्यादा है ठीक है, ये कोई कम सोना नहीं है। कभी तुम लोग सोचोगे कि बहुत कम सोना है और इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये वो बहुत सारा गोल्ड है। एंड अब मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों मुझे इस सोने से यहाँ पर क्या बनवाना चाहिए ठीक है ना। चलिए अब ये काम भी अपना डन हो चुका है, अपना सोना मोना भी आ गया और एक बार अपना आर्केड चेक कर लेते हैं दोस्तों जाकर, और वहाँ पर अपनी कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी मैंने डेविड को तो खैर बोल दिया, देखते हैं डेविड ने वहाँ पर कुछ किया या नहीं, और फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए। चलिए आराम से, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से जो निकलते हैं, बहुत बढ़िया। और राइट गाइज अब यार मैं सीधा ना यहाँ पर अपने लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्डियो पर जा रहा हूँ, आर्केड पर सॉरी एयरपोर्ट के नहीं आर्केड पर। ये देखो भाई दोनों भाई भाई लग रहे हैं कि दोनों ने सेम कलर की दोस्तों गाड़ी चला रहे हैं। हाँ ऐसा भाई भाई होने लग गए तो फिर तो बस हो गया भाई, भाई भाई नहीं हो गया, कुछ और ही सिस्टम चल रहा होगा उन दोनों का आपस में, कुछ भी सिस्टम चल सकता है भाई उसमें, हमें क्या लेना देना ठीक है। अरे आराम से चल निकल गई, असल में गाड़ी चलाने की भी एक कला होती है। बहुत लोग कहते हैं तुम ना हेयर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे, तो ना तुम्हें आज के वीडियो के लिए बस एक विग लगवा कर दिखाता हूँ, मैं अपने विग भी लगवा सकता हूँ ऐसे कोई बात नहीं है, बट आज के वीडियो के लिए मैं सिर्फ एक विग लगवा लेता हूँ, मेरे बाल तो देखो नहीं होंगे बट मैं विग लगवा सकता हूँ, विग लगवा लेते हैं चलो। अरे मुझे ना विग लगवानी है, विग लगा दो एक मेरे, चलो देखते हैं विग कौन सी इसके पास। ओ भाई गंजे भी हो सकते हैं हम तो, भाई वैसे माइकल गंजा भी अच्छा लगेगा, क्या बोलती है पब्लिक है ना, विग है क्या, ओके ठीक है। इसके पास दोस्तों वाली विग यहाँ पर नहीं मिलेगी हमें,
हमें दूसरे बंदे के पास जाना पड़ेगा, इसके पास वो विग नहीं है दोस्तों, दूसरे वाले नाई के पास चलते हैं जो थोड़ा अमीरों वाला नाई है, ठीक है। इसके पास विग नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर बाल वगैरह काटती है और कुछ नहीं करती है। एक मैं दोस्तों यहाँ पर अमीरों वाले नाई को भी जानता हूँ जो कि बिल्कुल सीधा जाकर ही आएगा, और मुझे ना देखो विग लगवानी है। तुम में से बहुत लोग बोलते हो आरिश भाई तुम सेम हेयर स्टाइल रखते हो, कभी माइकल का हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया करो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हमें माइकल का दोस्तों यहाँ पर हेयर स्टाइल चेंज करें। और हेयर स्टाइल तो देखो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यही हेयर स्टाइल है, इसके बाल वगैरह भाई वरना टूटने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं सीधा सोच रहा हूँ मैं ना इसके विग लगवा देता हूँ, विग अच्छी लगेगी। रुक जाओ, बट उसके लिए शायद इधर ही है दोस्तों, वैसे तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, तो कपड़ों की शॉप है ना। हाँ ये अगली वाला मोड़ है पक्का, यही है सलून, तो यही है दोस्तों सलून सलून सलून, यही है यही है। यहाँ आगे जाके अपना लग्जरी ऑटोज वाला शोरूम है दोस्तों, आप सब लोगों को पता तो है हर चीज़ का। चलिए अब जाकर देखते हैं यार, मुझे ना विग लगवानी है, देखता हूँ विग यहाँ पर मिल जाएगी या नहीं। उस शॉप पर तो खैर गाइस यहाँ पर नहीं मिली। हेलो माय बड़ी, हाउ आर यू? तो गाइस ये थोड़ा अमीरों वाला नहीं है भाई, इसके रेट भी थोड़े हाई हैं, और शायद इसके पास हमें वो मिल जाए। इसके पास भी दोस्तों वाली विग यहाँ पर नहीं है, बाकी हम थोड़े यहाँ पर लॉन्ग हेयर भी रख सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मैं गंजा आ जाऊँ एक वीडियो के लिए, क्या बोलते पब्लिक? मैं गंजा होने की सोच रहा हूँ। इसके पास भी दोस्तों हमें यहाँ पर विग वगैरह नहीं मिली, मैं सोचा था विग मिल जाएगी हमें बट नहीं मिली, चलो कोई ना गंजा हो जाता है। इसने फ्री में हमें गंजा किया है दोस्तों, That was fun. See you around. सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फ्री में गंजा किया है इसने हमें, क्योंकि जानता है लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है। तो गाइस यार अभी मैं गंजा हो गया हूँ। तो भाई आपको माइकल गंजा कैसा लग रहा है? खैर भाई एक बात बताओ मैं तुम्हें, माइकल गंजा भी बहुत तगड़ा लग रहा है भाई साहब, एकदम कटप्पा वाला सीन आ रहा है। कटप्पा वाला सीन भी नहीं, चलो एक खतरनाक माफिया वाला तो सीन आ ही रहा है यार, ठीक है। गंजा भी बढ़िया लग रहा है वैसे, जो बात है भाई माइकल मतलब जितना हम सोचे देना उतना बुरा भी नहीं है। और ये फरारी के ऊपर मेरा दिल आ गया, इस गाड़ी को छोड़ते हैं, इस फरारी को लेकर चलते हैं आराम से। ये पुराने मॉडल की फरारी है, क्या बात है, उस टाइम पर फरारी कुछ इस टाइप की हुआ करती थी। ओ भाई 360 लिखी है पर इसकी स्पीड, और ये फरारी बहुत जल्दी हाई स्पीड पकड़ रही है दोस्तों, बट कंट्रोल में नहीं है इतनी गाड़ी, जो बात है। हाँ उस टाइम पे कंपनी को इतना कहाँ पता था ये गाड़ियों कंट्रोल में बनानी है, बट क्या, बट पुरानी गाड़ियों को चलाने का मज़ा ही कुछ और है, जो बात है भाई, पुरानी चीज़ों को भी यूज़ करने का अपना ही मज़ा है। चलो अपना आराम से, बढ़िया भाई। बाकी इस गाड़ी को यहीं पर खड़ी करते हैं फिलहाल, तो मुझे रास्ता भी नहीं पता। अब हम दोस्तों चलते हैं सबसे पहले नीचे, और उन्हीं से बोलूँगा कि भाई एक बाहर भी गाड़ी खड़ी है उसको भी अंदर ले लो। चलो चलते हैं दोस्तों अंदर। अब गाइज यहाँ पर देखो, पहले ना वो था इलाइट बिट जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था और ऑक्शन था, बट मैंने दोस्तों हटवा दिया यहाँ पर, अब इलाइट बिट आर्केड दोस्तों लिखा गया है, आप सब लोग यहाँ पर देख लीजिए। और इसके काले दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ये सब करवा दिया, तो बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पर भी दोस्तों आर्केड, पहले नहीं था दोस्तों, कल वाले वीडियो में नहीं था। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो कल वाला वीडियो आप एक बार जो है जाकर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कल दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। टुमारो ऑक्शन लिखा हुआ था यहाँ पर, और आज देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही भाई बात है, चलो अंदर चलते हैं गाइज। और राइट गाइज, तो फाइनली यार हम अंदर आ चुके हैं यार यहाँ पर, और दोस्तों मेरी यहाँ पर ना डेविड से बात हो चुकी है, बट डेविड अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो आया नहीं है। मैंने डेविड से इसलिए कॉल किया था, मैंने सोचा यार डेविड से चलो, मैंने बेसिकली यहाँ पर जो नज़र वाला वो था ना वो हटवा दिया, क्योंकि बकवास था और ख़राब मशीनें थी वो, मैंने कुछ नई मशीनें दोस्तों यहाँ पर जो लगवाई हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा दोस्तों हर चीज़ यहाँ पर जो करवा दी, ठीक है। एंड डेविड से मैंने पूछा, तो गाइज डेविड को भी आने में यहाँ पर जो है आधा घंटा लगेगा, वो बहुत सारी गाड़ियों को ना मेरी यहाँ पर जो है लोड कर लेकर आ रहा है ट्रक के अंदर, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी कार्स ना यहाँ इसके बेसमेंट भी में भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। बट और यहाँ पर बहुत सारे हमने इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करवा दिए। खैर दोस्तों इम्प्रूवमेंट्स वगैरह तो हमने यहाँ पर कल ही दोस्तों करवा दिए थे, ठीक है, बस वो तो आज मुझे बस इसके पेपर्स चाहिए थे, काम तो मैंने कल से ही दोस्तों करवाना स्टार्ट कर दिया था। अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बाकी ये सब देख लीजिए आप सभी, ठीक है ना। अब नीचे है देखो दोस्तों मेन, अब गाइज यार यहाँ पर ना मैं उसको भी रखने वाला हूँ, जो मेरी हैकर गर्ल है ना दोस्तों वो भी यहीं पर रहेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए भी खतरनाक सेटअप बनवाया है। देखो तो मैं दिखाता हूँ,
ऑल राइट गाइज, तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। तो कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट अब फाइनली दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर देखिए, मुझे हर जगह की सीसीटीवी फुटेज, हर मेरे जितने भी बिजनेस वगैरह चल रहे हैं ना, मुझे उनकी सबकी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और लॉस सैंटोस में मेरी जितनी भी लोकेशंस वगैरह, मेरी जो सीक्रेट फाइल्स हैं और मेरी जितनी भी सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट है और यहाँ पर भी और मेरी कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो तीन तीन चार चार पीसी दोस्तों यहाँ पर जो चल रहे हैं, एंड इनका पूरा एक्सेस मैं यहाँ पर अपनी जो हैकर गर्ल है उसको देना चाहूँगा, और वो काफ़ी अच्छे से दोस्तों हर चीज़ को यहाँ पर जो संभाल लेगी। क्योंकि उसके अलावा तो देखो भाई, मुझे लगता भी नहीं है। देखो पहली बात तो एक ये होती है कि हाँ भाई, हमें लगता है कि वो बंदा संभाल लेगा, ठीक है, बट मैं अगर अपने केस की बात करूँ ना, मुझे किसी के ऊपर यकीन भी नहीं है कोई, मतलब ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर संभाल लेगा, ठीक है। इसीलिए मैं किसी को दोस्तों इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, सिर्फ हैकर गर्ल संभाल लेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने कुछ वेपन वगैरह को भी संभाल रखा है। और दोस्तों ये देखिए आप सब लोग, यहाँ पर भी हमने करवाया है। एंड गाइज, मैं यहाँ पर ना अपने डायमंड कसिनो के अंदर थोड़े से कुछ अपग्रेड्स वगैरह करवा रहा हूँ, इसीलिए उसका मैंने यहाँ पर मैप वगैरह भी खुलवा रखा है। और मैं अपने डायमंड कसिनो में कुछ नई नई चीज़ें करवा रहा हूँ। प्लस दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों के नहीं, इधर तो वेपन का सिस्टम है ना, हाँ वेपन का करा, गाड़ियों का किधर है, हाँ इधर दोस्तों कार्स वगैरह का सिस्टम कर दिया, लाइट वगैरह भी लगा दिया, बढ़िया। इधर भी हो गया दोस्तों और इधर भी हो गया, चलो भाई ये तो चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। और दोस्तों तुम्हारा भाई ना एक बहुत ख़तरनाक तिजोरी भी यार यहाँ पर बनवाने वाला है, जिसके अंदर मैं अपना काफ़ी सारा सामान रखूँगा, तो उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बन चुका है। बस ऑलमोस्ट तिजोरी ना, बस ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी दोस्तों, इतनी ही बड़ी बनेगी, बस उसके दरवाजे को बनाने के लिए बाकी बस बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है यहाँ पर वगैरह। बट तिजोरी जब बनेगी ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लगने वाली है, ठीक है। और हम यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करेंगे, अभी डेविड लेकर आ रहा है तभी तो दोस्तों गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होंगी, बाकी ये थोड़े से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये किसी काम के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें अपने डायमंड कसिनो का वो है दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल, और मुझे अपने डायमंड कसिनो में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करवाने हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएंगे। बाकी डायमंड कसिनो का छोटा सा मॉडल तुम्हें कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब एक मिनी डायमंड कसिनो है ना, ऐसे ही लग रहा है, जैसे कि छोटा सा डायमंड कैसीनो, एकदम प्यारा वाला और एकदम मस्त है यार हर चीज़, है ना। चलो बढ़िया, इधर अपने प्लानिंग लाइनिंग रूम है दोस्तों, और वो रूम किधर गया जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कल दिखाया था, बंद करवा दिया गया उसका दरवाज़ा, यार वो किधर गया, वो तो इधर ही था ना, शायद से इसके पीछे जाकर है दोस्तों, हाँ 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 इसके पीछे जाकर ये रहा दोस्तों कल, मतलब ये बोर्ड वगैरह यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं था ना, तो इसलिए एकदम क्लियर दिख रहा था, अब तो खैर वो है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों डेविड आ चुका है यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह लेकर, एक मिनट रुक जाइए, मैं ज़रा यहाँ का जो है शटर खोल देता हूँ। कहाँ से आएंगी गाड़ियाँ अंदर, अच्छा उधर से आने वाली है दोस्तों, उधर से आएंगी दोस्तों, इधर से नहीं आएंगी, मैं भी पागल ही हूँ यार, कहाँ से मैं गाड़ियाँ मंगवा रहा था। चलो खोलते हैं दोस्तों और फटाफट गाड़ियों को अंदर यहाँ पर जो है मंगवाते हैं। चलिएगा, वो थोड़ा सा ना मतलब आज अपना लुक वो चेंज करने की सोच रहा था ना, तो इसीलिए मैं गंजा हो गया। खैर बढ़िया लगता हूँ ना तेरे को बेड़ू, तारीफ़ तो करेगा ही मेरी। तो गाइस मैं यहाँ पर डेविड को भी अच्छा लग रहा हूँ यार, माइकल गंजा होने के बाद दोस्तों मतलब कैसा लगेगा और मतलब कैसा लगता है, तुम इमेजिन के तौर पर यहाँ देख लो भाई इसका गंजा टकला, ठीक है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी डेविड मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर जो है लेकर आ गया है, और डेविड कौन कौन सी गाड़ी लेकर आया है लेट मी जस्ट शो यू। ये है गाइज मेरी मर्सिडीज SGL, हाँ GL है, GL AMG 200 SLS, हाँ वही है वही है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है दोस्तों, बट मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली कार हो गई। और एक अपनी ये गाड़ी हो गई, ये लॉस सैंटोस के भी लेटेस्ट ही मेरे कलेक्शन में आई थी एक दोस्तों, ये बहुत सेक्सी गाड़ी है दोस्तों, ये है यहाँ पर बैटमैन कार, और उसके बाद एक ये हमारी सुल्तान खड़ी है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है अपनी यार सुल्तान, नहीं ये सुल्तान नहीं है, ये तो कैरिन है, हाँ सुल्तान नहीं है दोस्तों। बाकी ये BMW है, ये काफ़ी स्पेशल कार है दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल है BMW का, कोई न्यू मॉडल नहीं है दोस्तों, पर ये डुअल टर्बो के साथ है, ये वाली गाड़ी है दोस्तों डुअल टर्बो के साथ है, ये नॉर्मली आपको लॉस सैंटोस में ऐसे नहीं देखने के लिए मिलती है, ये वो बहुत पुराने टाइम में आती थी ये वाली गाड़ी, ठीक है। और गाइज यहाँ पर एक वो खड़ी है होंडा सिविक,
हाँ लेटेस्ट वाला मॉडल, ठीक है। बाकी इधर दोस्तों मेरी कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट्स, हाइपर स्पोर्ट्स गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैक्लारेन, और ये कोई इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है दोस्तों, ये बहुत तेज़ भागती है, ठीक है। और तुम्हें याद हो गई, बट डगन बॉस ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कार्स मंगाई थी और मैंने वो चोरी करी थी, ठीक है। तो माजदा की गाड़ियाँ थी ये, और सारी की सारी गाड़ियाँ दोस्तों मैंने बेच दी थी, बट एक अपने लिए भी मैंने यहाँ पर रखी थी, ये देखो आज भी बहुत प्यारी गाड़ी है ये, हल्के मत लेना, देखो पूरी लाइट जलती है इस गाड़ी के अंदर, पीछे से भी ये देखो, और ये चाइना से इंपोर्ट होकर आई थी गाड़ी, ये दोस्तों गाड़ी भी यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट होकर आई थी, तो एकदम अलग ही थी भाई ये, ठीक है। बट मेरे कलेक्शन में यहाँ पर एक लेटेस्ट गाड़ी भी ऐड हुई है, एक ये कार थी अच्छी थी, ये लैम्बोर्गिनी, इधर भी लैम्बोर्गिनी खड़ी है ये भी, बट दोस्तों एक गाड़ी मेरे कलेक्शन में भी लेटेस्ट ऐड हुई है और मैं इसको आपको चला कर भी दिखाऊँगा। एक ये गाड़ी है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कार भी तुम बोल सकते हो, बट ये एक रेसिंग में यूज़ की गई थी और मैंने बस मेरा दिल आ गया था, मैंने वहीं से मंगवा ली थी। मोबिल वन के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो यूज़ की गई थी गाड़ी है, और इसका डिज़ाइन कुछ उस बंदे ने ऐसा बनाया था ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही गाड़ी यार ये जो कि मेरे पास है, और मतलब रेसिंग कार है दोस्तों ये, क्या बात है। मतलब ये नॉर्मल यूज़ के लिए तो दोस्तों बनी नहीं है, बट मुझे इतनी अच्छी लगी थी भाई, तुम्हारे भाई ने तो खरीद डाली थी, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी दोस्तों ये गाड़ी, और एक अपनी यहाँ पर ऑडी खड़ी है, ठीक है। तो गाइज अपना यहाँ का भी काम डन हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी दोस्तों हर चीज़ देख ली है, सब बढ़िया हो गया। बाकी दोस्तों डेविड यहाँ पर संभालेगा। डेविड मेरी बात सुन, एक तो हैकर गर्ल को यहाँ पर बुला लेना, ठीक है, वो सब कुछ संभाल लेगी, मैंने उसको कॉल पर समझा दिया है, ठीक है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह इनका सबकी सर्विस वगैरह डन करवा और सब मेंटेनेंस, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं फ़िलहाल अभी निकल रहा हूँ। ऑल राइट गाइज, तो मैं ना अपनी यही वाली गाड़ी लेकर निकलूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, तो कोई ना आज इसी को चला कर दिखाता हूँ। और वैसे भी आपने आज तक, आज से पहले इस गाड़ी को चलते हुए तो देखा नहीं होगा, ठीक है, आज देख भी लोगे। चलो गाइज को बाहर लेकर चलते हैं फटाक से जल्दी से। राइट गाइज, मैंने गाड़ी बाहर निकाल ली है, एंड अब देखो तुम ये है भाई गाड़ी का लुक। हाँ मुझे पता है, काफ़ी मतलब यूनिक सी लग रही है, लाइटें देखो बस इसकी, और मुझे थोड़ा सा लाइट्स वाइट्स देखकर ये गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग गई थी। अब तुम बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बोल सकते हैं, आरिश भाई तुम्हें ये गाड़ी कौन से एंगल से अच्छी लगती है? बस भाई मुझे गाड़ी बहुत मतलब अच्छे अच्छे एंगलों से अच्छी लगती है। फिलहाल गाइज अब ना ज़रा मैं थोड़ी सी ठुकिंग करने वाला हूँ, अब यहाँ पर ठुकाई किसकी होगी तुम्हें पता चल जाएगा अभी ज़रा। उनके नेक्स्ट प्लान के बारे में भी तो मुझे यहाँ पर दोस्तों जानना है, तभी तो दोस्तों ठुकाई वगैरह होगी, ऐसी थोड़ी ना हर चीज़ मिल जाती है दोस्तों, ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है। एक काम करता हूँ, इस वाली गाड़ी को ना फिलहाल मैं बाहर ही खड़ी कर देता हूँ, छोटे दरवाजे से तो मैं जाऊँगा दोबारा, और लाइन के अंदर लगा देता हूँ, रुक जाओ लाइन के अंदर है, अब कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी गाड़ी को यहाँ से कोई लेकर नहीं जाएगा, और दोस्तों गाड़ी को देखने के लिए लोग बागों की लाइन भी तो लग जाएगी, तो कोई नहीं, लोग बाग भी यहाँ पर देख के यार गाड़ी को जो है खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल गाइस अब यहाँ पर एक बंदे की तुड़िंग होने वाली है, वो तुड़िंग होगी कैसे अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पता चलेगा अब दोस्तों वो यहाँ पर तुड़िंग कैसे होने वाली है। तो चलिए अब ज़रा मैं उसको यहाँ पर जो बुला कर लेकर आता हूँ, और अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तमाशा कैसा होता है, यहाँ पर सबके सब देखेंगे भाई कि ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं दोस्तों यहाँ पर लॉस सैंटोस के अंदर, ऐसा कब से होने लग गया, अब देख रहे हैं आप सभी लोग। यो टाइसन, यो यो यो, अच्छे से टाइसन, अच्छे से फाड़ के रख दे, फाड़ के रख दे, मेरा टाइसन ही बता देगा, मेरा टाइसन ही बता देगा। तो गाइस ये टाइसन को मार रहा है बेटा, टाइसन को मत मार, टाइसन की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खिसक जाती है ना, तो तेरी ऐसी तैसी करके डाल देगा। तो गाइस यार मैं यहाँ पर जो डगन के बच्चे को दोस्तों यहाँ पर टॉर्चर करवा रहा हूँ, वो भी दोस्तों यहाँ पर टाइसन से, और टाइसन से दोस्तों टॉर्चर करवाने का मतलब अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखो टाइसन कैसे कुछल उछल के मारेगा इसको, अभी तो देखते जाओ उसको, टाइसन को लाते मार रहा है, मार ले कितनी लाते मारेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, टाइसन को चाहे जितना मार ले, टाइसन अपना बदला खुद लेगा। यहाँ पर मैं आराम से बैठूंगा, आराम से देखूंगा इनसे। ज़रा दोस्तों मुझे कुछ निकलवाना है डगन बॉस से, मुझे ना इसके बारे में कुछ बात पता चली थी, तुम्हें भी बताऊंगा, रुक जाओ पहले खुद बोलने दो पहले इसको। तेरी ऐसी की तैसी, डगन के बच्चे हमारे टाइसन को मारेगा, तेरी ऐसी की तैसी, चल टाइसन पकड़ इसको, दोनों बापूत मारेंगे इसको, चल तेरी ऐसी की तैसी, आजा टाइसन, हाँ भाग के टाइसन, अटैक अटैक माई बडी, अटैक तेरी ऐसी की तैसी। ओके नहीं दोस्तों, बेसबॉल बैट हॉकी ये चलेगी इस पर, अच्छा अच्छा ठीक है,
अब इसका बाप जिंदा है बे। डगन के बच्चे, अब इसका बाप जिंदा है। टाइसन का बाप जिंदा है भी। टाइसन पकड़ इस कुत्ते के बच्चे को, पकड़ जल्दी से, पकड़ इसकी ऐसी की तैसी, पकड़ इस डगन बॉस की ऐसी की तैसी। इसको तो हम बताएंगे हम क्या चीज़ हैं, तेरी ऐसी की तैसी डगन के बच्चे, हट तेरी। तो गाइस रुक जाओ ज़रा, ये कुछ ज़्यादा बन के दिखा रहा है। अब बोल तू गाइस, मतलब कुछ ज़्यादा बन के दिखा रहा है भाई ये डगन का बच्चा, तेरी ऐसी की तैसी। अब पता चलेगा डगन के बच्चे। चल इसका काम खत्म कर डगन के बच्चे का, इसकी ऐसी की तैसी। इसका काम खत्म कर टाइसन, फटाफट जल्दी से काम खत्म कर इसका। अब दोस्तों टाइसन का मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइसन खुद इसका काम खत्म करेगा। अब आ रहा है टाइसन को गुस्सा, अब नहीं छोड़ेगा भाई टाइसन, फाड़ के रख दे टाइसन, बोटी निकाल ले टाइसन इसकी। अब तुझे टाइसन बोटी निकालनी है, देख अब तेरी इज्जत का सवाल है टाइसन। अब खुद निकाल लेगा दोस्तों, टाइसन खुद निकाल लेगा। ओ भाई कर दिया क्या, क्या हुआ? चल तेरी ऐसी की तैसी, कर टाइसन, चल अटैक टाइसन माय बॉडी। तो गाइस टाइसन खुद अटैक करके इसकी तो ऐसी तैसी कर देगा, ये देखते रहो तुम। टाइसन अटैक माय बॉडी, अटैक। हाँ मेरे बेटे, हाँ ऐसी तो अटैक करते हैं। निकल तेरी ऐसी की तैसी, चल टाइसन अटैक, पकड़ इसको तो, इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब इसको तो टाइसन ही देख लेगा दोस्तों। चल टाइसन अटैक, चल जल्दी अटैक टाइसन, अटैक फटाफट पकड़ इसकी ऐसी की तैसी। ओ भाई टाइसन अटैक, क्या वो कर रहा है, ये तो तेरे को पकड़ रहा है, गिरा इसको इसकी ऐसी की तैसी। हार्ड इसकी बोटी निकाल दे इसकी, निकाल इसको तो टाइसन छोड़ना मत, बिल्कुल भी छोड़ना मत इसको। तो गाइस अगर मैं सिम्बा वगैरह से करवा देता ना भाई, टाइसन तो मतलब ये अभी टॉर्चर ही कर रहा है, ठीक है। डॉग्स इतना कुछ होगा भी नहीं, सिम्बा तो भाई खा जाता सीधे तरीके से। अब देख ले डगन अगर बता देगा तो ठीक है, वरना ये टाइसन के भी दांत बहुत नुकीले हैं, और अगर एक बार पेट वेट के अंदर घुस गए ना तो फिर जानता नहीं है तो यहाँ पर क्या हाल हो सकता है तेरा, तेरी गर्दन वर्दन भी चबा डालेगा ये। तो इससे अच्छा है कि तू बता दे डगन मर्जी है तेरी, पिटता रहे गाइस, अभी पिट ही रहा है। हाँ ना ले मार, हाँ मारेगा टाइसन, पकड़ी जरा गाइस, टाइसन खुद देख लेगा ये, हमें मारने कुछ कर रहा था ना, टाइसन खुद देख लेगा दोस्तों। मतलब ये सोच रहा है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ये है वो है, मैं तो ना दोस्तों अपना आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, मेरे कौन सा बच्चे रो रहे हैं, मैं तो आराम से अपना बैठा हुआ हूँ। और टाइसन खुद देख रहा है भाई, इसको खुद देख लेगा टाइसन, टाइसन की जिम्मेदारी है दोस्तों इसको देखना, और वो बहुत अच्छे से निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी को। यहाँ पर आप देख लीजिए उसका क्या हाल कर रखा है दोस्तों टाइसन ने, बता बेटा डगन बॉस अब बोल रहा है तो बोल ले जल्दी से, वरना तो टाइसन छोड़ेगा नहीं टाइसन बेटा, डगन बॉस छोड़ेगा नहीं अपनी उस लोकेशन का नाम बता मेरे को, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे बेटे को हाथ लगाएगा टाइसन, पकड़ इसको तो, ये ऐसे नहीं मानेगा, लातों के भूत दोस्तों बातों से नहीं मानते हैं। चल टाइसन हट जा, बोलेगा हट जा टाइसन अगर ऐसी मत हो, बस। चलो गाइस मुझे टाइसन को पकड़ना चाहिए, वरना तो ये डगन बॉस को काट वाट देगा। राइट गाइस, तो फाइनली दोस्तों डगन बॉस ने अब यार यहाँ पर अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और इसके ना दोस्तों यहाँ पर हाथों पैरों पर ना दोस्तों टाइसन ने बहुत ज़ोर से काट लिया, तो भाई इसके ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर वगैरह को बुलाया है, वो इसका यहाँ पर जो इलाज कर देंगे। यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ फैले हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसने मुझे लोकेशन बता दिए दोस्तों। असल में यहाँ पर हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, डगन बॉस ने ना यहाँ पर ना मैं बताता हूँ डगन बॉस ने ना एक लैब बनाई थी, और उस लैब के अंदर ना ये यहाँ पर एक मतलब बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे थे, टॉप सीक्रेट। अब वो टॉप सीक्रेट फाइल्स जो थी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे थे वो थी लेस्टर के पीसी में, मैंने वहाँ से हार्ड ड्राइव निकलवा कर वो जब मैंने फाइल खुलवाई दोस्तों हैकर गर्ल से तब मुझे पता चला था। बट मैं सोचा था मुझे उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, फिर दोस्तों आज मैंने डगन बॉस को मार कर उसकी लोकेशन निकलवा ली। अब दोस्तों वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि डगन बॉस के जितने भी लोग बाग थे ना, फिलहाल तो अभी वहाँ पर कोई नहीं होने वाला है, इसने खुद बोला वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि वो लैब दिखती कैसी है, और ये वहाँ पर कर क्या रहे थे,
कम से कम दोस्तों मुझे भी तो यहाँ पर पता होना चाहिए। इसने ये बात नहीं बताई, इसने कहा कि तुम खुद जाकर देख लो और वहाँ पर कोई भी नहीं होगा तो तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड चाहे मत भी लेकर जाना। कोई बात नहीं, मेरी भलाई में उतर रहा है ना, उतरने दो। अभी तो उतरेगा गाइस, अभी तो देखते जाओ ये क्या क्या करेगा। चलिए हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को उठाते हैं। और दोस्तों वो लोकेशन ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, यहाँ पास में भी तो नहीं है ना। अगर पास में होती तो यार बात ही क्या थी। लोकेशन भी गाइस काफ़ी दूरी पर है, तो उसके लिए ना गाइस हमें गांव वाले इलाके की तरफ को जाना पड़ेगा। और गांव वाला इलाका ना दोस्तों हमें पूरा क्रॉस करके तब दोस्तों हमें उस लोकेशन पर जाना होगा। मतलब काफ़ी दूर है यार। चलिए कोई नहीं यार, वैसे तो मुझको ऐसा लग रहा है कि उस लोकेशन पे जाते जाते ना यहाँ पर कसम से बता रहा हूँ दोस्तों रात होने वाली है, रात हो जाएगी दोस्तों उस लोकेशन पर जाते जाते। और गाड़ी भी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आराम से। और ये रेसिंग गाड़ी को तो तुम्हारा भाई यार किधर से भी निकाल लेता, बट इस गाड़ी का ना एवरेज बिल्कुल नहीं है। तो भाई मेरे को दोबारा से गाड़ी के अंदर ना यहाँ पर रिफ्यूलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, तभी मैं उस लोकेशन पर पहुँचूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं पहुँचने वाला हूँ। तो एक काम करेंगे, आगे कोई भी मतलब फ्यूल स्टेशन होगा ना तो वहाँ से दोस्तों रिफ्यूलिंग वगैरह करा लेंगे। अभी तो चलो सबसे पहले हम निकलते हैं यार और फटाक से। अब एक काम करता हूँ दोस्तों, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चला के, मैं सीधा ना तुम्हें उस लोकेशन पर ना पहुँचने के बाद ही मिलता हूँ, तभी वहाँ पर मज़ा आएगा उस लोकेशन को देख कर भी। ठीक है, ऐसे क्या मज़ा आने वाला है। चलो जल्दी चलते हैं गाइस उस लोकेशन पर आराम से। गाड़ी को तो भाई बहुत प्यार प्यार से हमें लेकर जाना होगा। एक काम करता हूँ, इधर से मोड़ लेता हूँ, ये वाला रास्ता सीधा उधर ही जाएगा। और राइट, चलिए गाइस अब सीधा पहुँचते हैं उस लोकेशन पर। और राइट गाइस, फाइनली यार मैं उस लोकेशन पर आ गया हूँ। और यहाँ का एक एक्सेस कोड था जो कि मुझे इसने बताया था डगन बॉस ने। क्या है ये, और इतना ज़्यादा अंधेरा है, मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार अंदर जाते हुए। और ये सब क्या चीज़ है, पावर ऑन है ये, मतलब ये निशानों का क्या मतलब है दोस्तों? क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है निशानों को देखकर? इन निशानों का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इधर क्या है, लॉक है ये, काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ओह माय गॉड, लगता है दोस्तों यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर रीसेट। ओके, तो ये मतलब उन निशानों का मतलब है कि हर जगह पर पावर है। ओके, ये मतलब कुछ टेक्नोलॉजी टाइप चीज़ है। और इसके अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी एक्सेस कोड भी लगाना पड़ता है भाई। पर चल क्या रहा है? ओ भाई साहब, ये तो गाइस डगन बॉस के कुछ इलाकों का पता चला है। और देखो दोस्तों, जो कि मुझे पता था पहले से ही, देखो डगन बॉस का जो रेडियस है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ज़्यादातर ना ये देखो पूरा अमेरिका डगन बॉस ने घेर रखा है दोस्तों, इंडिया तक भी ये पहुँचने वाला है, ये इंडिया तक भी पहुँचने वाली है दोस्तों चीज़। भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है। और ये क्या चीज़ है गाइस, ये क्या चीज़ है? और राइट, यहाँ पर ये शायद से इसका नक्शा दिया गया है। ये तो कोई जेट पैक टाइप की चीज़ लग रही है, जेट पैक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट हाई प्लेयर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कोई जेट पैक वगैरह बना रहे थे क्या? शायद से हो सकता है ऐसा। और ये मेरे ख्याल से कोई उड़ने वाली बाइक बनाई जा रही है जिसके अंदर दोस्तों जेट का इंजन लगाया गया है। मेरे को देखो दिखने में ऐसे ही लग रहा है फिलहाल तो, भी मेरे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया। मेरे को डगन बॉस के मार गई ना भाई, दोबारा से उसको मार के पता करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ही रिसर्च किस बारे में कर रहे थे? टॉप सीक्रेट। देखो क्या है इनमें। ऑल राइट गाइस, इनके अंदर वेपन्स हैं ऐसे ही पता चल गया। और हाँ वेपन्स ही हैं दोस्तों इसके अंदर। ये देखो ये जो ये निशान लगा हुआ है ना दोस्तों, ये मैरी वेदर के वेपन्स हैं। तो जो मैरी वेदर के बंदे हैं ना, क्या वो डगन बॉस को यहाँ पर क्या कहते हैं वेपन सप्लाई कर रहे थे? जो मैरी वेदर है ना दोस्तों,
लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी सिक्योरिटी है और लॉस सैंटोस के अंदर जितनी पुलिस है और मिलिट्री वाले हैं जितने भी मेरी वेदर दोस्तों सबको ना यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ लीगल तौर पर यहाँ पर मेरी वेदर से दोस्तों वेपन्स वगैरह खरीद सकते हैं और इलीगल तौर पर तो रशियन माफिया है ही गाइस, आप सभी लोग जानते हैं। तो मतलब इसने मेरी वेदर से सारे के सारे वेपन्स खरीद रखे हैं। ये देखो निशान से ही पता चल जाता है, ये आई वाला निशान से पता चल जाता है। कोई नहीं, वो भाई साहब सामने कुछ है गाइस, सामने कुछ है। ऑल राइट, क्या पीसी के ऊपर क्या है, सेम वही चीज चल रहे हैं। ओ भाई ये क्या चीज है यार, दिखने में तो कोई एग जैसी लग रही है ना। क्या तुम लोगों को भी मतलब ये अंडे जैसी कोई चीज लग रही है दोस्तों। मतलब अब ना काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मेरा गला सूख रहा है, एक मिनट रुको यार। मतलब अब वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मतलब कि डगन बॉस ने हमें एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताया है। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो दोस्तों स्पेशल गन्स बनाई जा रही हैं, और दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या है, ये एग की पावर से इन मतलब ये कोई जादुई एग है मेरे ख्याल से, तो ऐसा लगता है। और दोस्तों इस अंडे की पावर की मदद से ही दोस्तों इन गन्स को बनाया जा रहा है, और ये जो गन्स है ना दोस्तों स्पेशली जो इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हीं के लिए दोस्तों ये वाली जो यहाँ पर गन्स बनाई जा रही हैं। ये वाली जो गन है ना दोस्तों, ये मेरे ख्याल से एक बार में दोस्तों उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर जो है ख़त्म कर देगी। ओके निशान वाली गन है भाई, ये कुछ अलग ही सिस्टम है और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था यार दोस्तों, और इस मामले में दोस्तों मुझे अभी यहाँ पर जो नॉलेज हुई है, क्या बात है भाई साहब, ये तो एकदम अलग ही चीज की लेवल की भाई वो चल रही है। चलो इधर चलकर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है सामने की और क्या चीजें हैं। ऑलराइट यहाँ पर कांच लगा हुआ है, लगता है दोस्तों ये एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है इन लोगों ने, और हर लैब के अंदर कुछ इस टाइप का ये है, और यहाँ पर ना दोस्तों किसी चीज़ के ऊपर ना दोस्तों रिसर्च वगैरह की जा रही है। बाकी मेरे को ना दोस्तों एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर दोस्तों रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज हमें इस चीज़ की भाई साहब गुत्थी यहाँ पर जो है सॉल्व करनी पड़ेगी, और दोस्तों अगर हम नहीं करेंगे तो यार और कौन करेगा, ठीक है। तो गाइज हमें ना ढक्कन बॉस से ही पूछ लेना चाहिए कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या है कैसे है। तो गाइज कल वाले वीडियो में सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही करने वाले हैं, और क्या आपको अगर कुछ दोस्तों कुछ भी समझ आया होगा ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं पूरा सिस्टम क्या है, तो मेरे को कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगा होगा, लगा तो कर दो वीडियो को लाइक और कर दो चैनल को भी सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय। ऑलराइट दोस्तों तो चलिए हम आप सभी लोगों के यहाँ पर जितने भी कॉमेंट्स वगैरह उन्हें सबको यहाँ पर जो है दोस्तों रीड वगैरह कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले भाइयों के यहाँ पर जो एक बार दिल दे देता हूँ मैं सबको। आयुष भाई तुम मेरे कॉमेंट्स नहीं पढ़ते हो भाई, मैं सभी के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ मेरे भाई। चलो सभी भाइयों के कॉमेंट्स को दोस्तों हम यहाँ पर जो है दिल दे देते हैं भाई, ये भी देना दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ गए, दिल देने से ही तो भाई प्यार बढ़ता है। हार्ट दे देते हैं अभी सभी भाइयों के हम कमेंट्स को यहाँ पर, चलिए जल्दी से, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है 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 भाई, आप न्यू रोल रो इज लो, ठीक है भाई ले लेंगे सभी भाइयों के कमेंट्स को। पहले हम दोस्तों यहाँ पर ये करेंगे, जितने मेरा भाई है ना सभी के कमेंट्स को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जो है मतलब ये करूँगा, ठीक है, दिल वगैरह दूंगा, उसके बाद हम कमेंट्स वगैरह को रीड करेंगे। क्या बात है, एकदम तगड़ी चीज़ हो रखी है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत सही।
ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लव यू आरिश भाई, लव यू टू मेरा भाई, लव यू लव यू लव यू, जितने भाइयों को भी लव है, थैंक यू सो मच मेरा भाई। अभी तो सभी के भाइयों को मैं कमेंट्स को दोस्तों यहाँ पर जो है मैं वो रीड वगैरह कर रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा सॉरी, दिल दे रहा हूँ, अभी रीड करेंगे। दोनों चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है यार। आप सभी लोगों के सामने करता हूँ भाई मैं रियल टाइम में, जितने भी सभी भाइयों के यहाँ पर कमेंट्स वगैरह होते हैं ना सबके, दोस्तों रियल टाइम में मैं करके देता हूँ, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी हो गई है वो है। चलो भाई अब सबके कमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई, कुछ नहीं है वो। चलिए दोस्तों ये वाला इंट्रो बहुत अच्छा है, वीडियो में ऐसे ही बोलना, नेक्स्ट लेवल एपिसोड, थैंक यू सो मच, लव यू आरिश भाई, लव यू टू, वीडियो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, लव यू आरिश भाई, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच मेरे भाई, अनबिलीवेबल एपिसोड, नाइस एपिसोड, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थोड़ा तेज चलाते हैं, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आरिश भाई मज़ा आ गया एकदम, हटके, थैंक यू, नाइस वीडियो, एक टेक्निकल गॉड ऑफ GTA 5, रमजान बोला मेरे भाई, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका, वाओ दैट्स अमेजिंग, माइकल की पेट्स, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, थैंक यू, दिस एपिसोड इज नाइस, वाओ थैंक यू सो मच मेरे भाई, नाइस वीडियो भाई, थैंक यू, नाइस वीडियो भाई, ओके ये क्या है, 1000 हाय, थैंक यू, डेली वीडियो डालो भाई, मैं डेली वीडियोज डालता हूँ, लव यू आरिश भाई, लव यू टू मेरे भाई, ओके लव यू आरिश भाई, लव यू टू, लव यू मेरे भाई, लव यू टू मेरे भाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, थैंक यू सो मच, लव यू टू मेरे भाई, मॉन्स्टर माइकल, बिगेस्ट किंग माइकल, माफिया बिगेस्ट, थैंक यू, आज मज़ा आया भाई, थैंक यू, लव यू भाई, थैंक यू मेरे भाई, हाय भाई, हेलो हेलो, लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई, माइकल की कोई स्टोरी वाली वीडियो डालो भाई, ठीक है, थैंक यू फॉर यू पिन माई कमेंट, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच मेरे भाई, भाई 2-3 घंटे की वीडियो लाओ लंबी वाली, लाएंगे ज़रूर लाएंगे, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच, द एंड ऑफ डगन बॉस, या ब्रो लव यू, नाइस एपिसोड, कमेंट पिन नारिश भाई, चलो आज हम अपने भाई का यहाँ पर कमेंट पिन कर देते हैं, बढ़िया कर दिया, ठीक है, लव यू आरिश भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, हाय ब्रो, हेलो हेलो, लव यू आरिश भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू भैया, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, ओपी व्लॉग्स, थैंक यू, हेलो आरिश भाई, लव यू वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम भाइयो, लव यू भाई, लव यू भाई, डेली वीडियोज एपिसोड लाने के लिए, थैंक यू आरिश भाई, न्यू रोबोट्स बनवाओ प्रेसिडेंट स्पेशल के लिए, आरिश भाई आरपीजी वाले सिक्योरिटी गार्ड्स बनवाओ, ठीक है मेरे भाई, अब्दुल सलाम खान मेरे भाई ज़रूर बनवाएंगे, लव यू भाई, कमेंट पिन कर दो आरिश भाई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान भाई, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा, आज मैंने दूसरे भाई का कर दिया, आरिश भाई ऐसे वीडियोज़ बनाओ या करो, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, यार ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, आई लव यू, ठीक है मेरे भाई, आई लव यू तो समझ आ गया, हाय भाई, पैंथर को क्यों लेकर गए बाहर, ऐसे मत लेकर जाएगा भाई, अब नहीं लेकर जाऊंगा, बहुत मस्त एपिसोड, थैंक यू, हाय भाई आज भाई, इल्यूमिनाटी 5.0 सिक्योरिटी एक बनाओ, जिमी को बोलकर उसकी सिक्योरिटी, ठीक है मेरे भाई बनवा दूंगा, आज भाई आई लव यू, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, जल्दी से वीडियो हो जाए, थैंक यू भाई, वॉइस वाला एपिसोड बन, ठीक है भाई, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जी वैंगलो 4 GB रोल्स रॉयस हेलीकॉप्टर, ठीक है मेरे भाई, आज भाई डगन बॉस की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो आज भाई, ऐसा करना, ठीक है भाई, आज भाई माइकल को लीडर शेडो करो, ठीक है भाई, ऑल एनमी लॉयन भाई, ये तो ठीक कर देगा, रशियन माफिया का है भाई, वो फिलहाल अभी रशिया गया हुआ, आ जाए कल तक, आयुष भाई कमेंट विन करो, ठीक है आयुष भाई, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ओपन करो जिसे दुबई सिटी, हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हो भाई, आपका घर कहाँ है, थैंक यू भाई, हॉरर वीडियो बनाओ, हॉरर वीडियो लास्ट में देखा, आज की वीडियो में क्या हॉरर सीन था वो भाई, आपने सीक्रेट बेस दिखाओ, ठीक है आयुष भाई, फुल सिक्योरिटी के साथ चला करो भाई, भरम के साथ लॉस सैंटोस में, ठीक है भाई, हेलो ब्रदर, डक्कन बॉस मारो फैमिली, माइकल, माइकल की ऑल प्रॉपर्टीज ऑन अवर नेम, थैंक यू भाई, आप रोल्स रोज ले लो, ठीक है भाई, आप एक पिजन पालो, ठीक है पिजन को पिंजरे में पालो, ठीक है भाई,
आयुष भाई मिलिट्री को और ज़्यादा अपग्रेड करो, पुलिस की व्हीकल्स को भी, अपनी हेलीकॉप्टर्स को भी ज़्यादा टैंक करो, ठीक है भाई? आयुष भाई प्रो प्लीज पिन माई कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। आयुष भाई डगन बॉस को लेकर, ठीक है भाई डगन बॉस की सारी पो लेकर चलो, ठीक है आयुष भाई एक महिंद्रा थार भी ले लो, ठीक है भाई ले लेंगे आयुष भाई। माइकल मेक लीडर शैडो गेमिंग कंपनी, ठीक है भाई कर लेंगे भाई। आयुष भाई मेरे तुम कमेंट्स ट्रीट नहीं करते हो भाई, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ मेरे भाई। आयुष भाई एसपीजी कमांडर रखो, ठीक है एसपीजी कमांडर की बहुत रिक्वेस्ट आ रही करेंगे। आयुष भाई मेरा भी कमेंट पिन कर दो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। मर्सिडीज़ बेंज एंड बीएमडब्ल्यू बाय करो आयुष भाई, जीटी भाई, ठीक है भाई। आयुष भाई मैं आपकी तरह यूट्यूबर हूँ, मैंने भी आपसे ही सीखा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष भाई थोड़ा भरम में लिया करो, समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हो तुम, थैंक यू। मेरा नाम साद है, प्लीज़ मुझे शाउट आउट दो, साद मेरे भाई शाउट आउट टू यू। आयुष भाई लॉस सैंटोस के सारे गैंग्स को, टेररिस्ट क्यों जिमी को एक मत के अंदर अंडर करवा दो, ठीक है भाई सभी लोगों को प्रॉपर्टी लेके सबको ख़त्म कर दो, ठीक है भाई पंजाब हो भाई। हेलो भाई नेम लो तालिब राजा, हेलो मेरे भाई तालिब राजा, मेरा कमेंट को रीड नहीं किया करा मेरे भाई, मैंने कर लिया। डगन बॉस को रो लेटरो अंडर वाटर माफिया, ठीक है भाई थैंक यू। आरिश भाई उनको मार दो, ठीक है सॉरी भैया मेरे स्कूल ने ज़्यादा हो गया था उसके अंदर, कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई। भैया आप फ्री फायर खेलो ना प्लीज़, ठीक है फ्री फायर में खेलूँगा अपने दूसरे चैनल पर। यो भाई लोग लाइव स्ट्रीम थैंक यू। फ्लाइंग बुगाटी चलाओ, फ्लाइंग बुगाटी भी चलाएंगे यार, फ्लाइंग बुगाटी से रिलेटेड ढक्कन बॉस के रास्ते में हिलकर लेकर पैसे निकाल लो, ठीक है भाई। फ्लाइंग बीस्ट, फ्लाइंग बुगाटी शिरोन, बुगाटी शिरोन तुमने उड़ने वाली कहाँ देखी थी? मुझे तो याद नहीं है तुमने कहीं देखी भी होगी। बाकी दोस्तों ये कॉमेंट्स हो गए, बाकी थोड़े से ये कॉमेंट्स हैं नीचे, बस ये देखो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे कमेंट्स थे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, बाकी मैंने आपके सभी के कमेंट्स यहाँ पर रीड कर लिए, बाकी मैं आपसे मिलूंगा लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिए, बाय।